Hello guys and welcome to Economics with SK. Well, अभी हम बात करेंगे नेशनल इनकम की तीनों मेथड की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है और एक एक बात समझना है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दी हुई है जो कि मैंने अनअकैडमी पे वीडियो बनाए थे, तो वो आप लिंक पे जाइए और पूरा डिटेल में आराम से पढ़िए, ठीक है। जिसको जल्दी जल्दी बात करना है वो इधर देखे। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इट मीन्स इट इज द इनकम ऑफ अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री में यदि जितने भी रहने वाले लोग हैं उनकी जो इनकम है उस इनकम का सम टोटल ही नेशनल इनकम है। और इसको कैलकुलेट करने की तीन मेथड है। वो तीन मेथड कौन कौन सी? वो तीन मेथड है, पहली मेथड का नाम है वैल्यू एडेड मेथड। व्हाट? वैल्यू एडेड मेथड। नेक्स्ट मेथड का नाम है इनकम मेथड। विच मेथड? इनकम मेथड। और तीसरी मेथड का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड, राइट है। अब एक्सपेंडिचर मेथड और ये तीनों मेथड किस बेसिस पे बनी हुई है? ये इस बेसिस पे बनी हुई है कि हम लोगों ने पढ़ रखा है सर्कुलर फ्लो कि जितनी भी हाउस होल्ड जो है और ये फर्म जो है, फर्म जितना भी प्रोडक्शन करता है या तो उसको प्लस कर लो, या हाउस होल्ड जितना भी खर्च कर रहा है उसको प्लस कर लो, या जितना फैक्टर पेमेंट मिल रहा है उसको प्लस कर लो, तीनों बात बराबर है। तो ये मेथड तीन बेसिस पर है। एक्सपेंडिचर बेसिस पर ये है, इनकम के बेसिस पर ये मेथड है, और वैल्यूएट के मेथड पर के बेसिस पर ये मेथड है, ठीक। तो ये तीन मेथड है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की, और तीनों मेथड को एक फटाफट रिविजन देखते हैं। देखिए, सबसे पहली मेथड की बात करते हैं वैल्यूएट मेथड। वैल्यूएट इट मीन्स कितना हम किसी की वैल्यू में एडिशन कर रहे हैं। तो कितना एडिशन कर रहे हैं? देखिए, कोई भी चीज का यदि आप टोटल आउटपुट निकालना चाहते हैं तो सेल्स में स्टॉक प्लस कर दीजिए, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मीन्स क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो आपने चेंज इन स्टॉक प्लस करेंगे आपको मिल जाएगा आउटपुट। आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस करना है। इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब होता है कि उस चीज को बनाने के लिए कितना आपको जो है रॉ मटेरियल लग रहा है, वो उसका इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है। ये आपने माइनस किया, आपको सीधे यदि तीनों सेक्टर का आउटपुट है तो ये आपको मिलेगा जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। डेप्रेशन माइनस करेंगे ये मिल जाएगा एनडीपी एट एमपी, और एनडीपी एट एमपी में से एनआईटी माइनस कर देंगे। एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इट मींस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। यदि आप ये कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एनडीपी एट एफसी, राइट। तो ये तो है पहली मेथड जिसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड, ठीक। अब सेकंड मेथड, तो नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है? नेक्स्ट मेथड है इनकम मेथड। अब इनकम मेथड इट मीन सारे जो टाइप की इकोनॉमी एक्टिविटीज है, जैसे कि बिजनेसमैन हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए और एम्प्लॉय हो गए, तीन टाइप की हो सकती है इकोनॉमी एक्टिविटी। तो तीनों की इनकम आप प्लस कर लो। अब तीनों की इनकम जैसे कि रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये तो किसी बिजनेस एक्टिविटी से या किसी टाइप की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होने वाली इनकम है, तो हमें रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट चारों को प्लस कर लिया। इसको आप ऑपरेटिंग सरप्लस बोल सकते हैं। इसमें यदि आप प्रोफेशनल्स की इनकम यानी कि मिक्स इनकम प्लस कर लें और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यानी कि जो एम्प्लॉयज वगैरह हैं, जो वेजेस या सैलरी मिल रही है, जिनको बोनस कमीशन मिल रहा है, या इस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में सारी चीजें शामिल है, जैसे कि आपको मिलने वाला सैलरी भी, आपको मिलने वाला बोनस भी, कमीशन भी, आपको मिलने वाला हाउस रेंट अलाउंस भी, सारे टाइप का जो कंपनसेशन है वो। तो नौकरी करने वालों की इनकम, प्रोफेशनल्स की इनकम और जो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, इन सबको प्लस करेंगे आपको मिल जाएगा एनडीपी एट एफसी, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। ये थी इनकम मेथड। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। पीएफसी, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आम लोगों कितना खर्च कर रहे हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खर्च। जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि कितना ओवरऑल जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह का या इन्वेस्टमेंट टाइप के खर्च हो रहे हैं वो। उसके अलावा नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट इट मीन एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, इनको आप प्लस करेंगे जीडीपी एट एमपी आएगा, इसमें से डिप्रेशन माइनस करेंगे एनडीपी एट एमपी आ जाएगा, उसमें से एनआईटी माइनस करेंगे, एनआईटी इट मीन नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इसको प्लस करेंगे आपको मिलेगा एनडीपी एट एमसी, ठीक है। ये बिल्कुल शॉर्टकट में मैंने तीनों मेथड के बारे में बातचीत की। अब इसमें याद रखने लायक बात यह है
कि इनकम मेथड में डायरेक्ट आपको इंडिकेट एफसी मिल जाता है, बाकी में आपको इन दोनों मेथड में जीडीपी मिलता है। जीडीपी में से डेप्रेशन और एनआईटी दोनों माइनस कर दे तो इंडिकेट एफसी आपको मिल जाता है। ठीक, तो तीनों मेथड में एनडीपी और एफसी पर हम मान लो आगे, इन तीनों मेथड में आप किसी में भी एनएफआईएम प्लस कर देंगे, एनएफआईएम प्लस कर देंगे तो आपको एनएनपी एट एफसी मिलेगा, और इस एनएनपी एट एफसी को ही हम नेशनल इनकम बोलते हैं, यानी इसी एग्रीगेट का नाम नेशनल इनकम है। ठीक है, एनएफआईएम का मतलब होता है जितना भी विदेशों में हम पैसे जा रहे हैं हमारे देश से, वो सबकी चीजें माइनस कर दो, और जितना भी पैसा विदेशों से आ रहे हैं, हम विदेशों से हम जितना कमा रहे हैं उन सबको हम प्लस कर दें, विदेशों से आने वाले को प्लस, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस, तो हमको मिलेगा एनएफआईएम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो एनडीपीएड एफसी में यदि हम एनएफआईएम प्लस करते हैं तो हमको मिलता है एनएनपीएड एफसी, राइट, नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। खैर, मुझे मालूम है मैंने बहुत जल्दी जल्दी में चीजें आपको बोली और आपको बिल्कुल पक्का है कि कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और मैंने वहां पर 5 वीडियो बना रखे हैं जहां पर आपको डिटेल में चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये सिर्फ आपको एक रिवाइज करने के लिए ठीक है, राइट। तो आप डिस्क्रिप्शन में जरूर जाएं, वहां पर 5 वीडियो दे रखे हैं सीक्वेंस है।